एक अवयस्क लड़की इतने बड़े आदमी के खिलाफ पॉक्सो की शिकायत दर्ज करती है, यौन शोषण का आरोप लगाती है और फिर सारा तंत्र, सारी पुलिस, इस देश की सत्ता, इस देश की सरकार, सरकार के मंत्री, सरकार के सांसद मिलकर एक तरफ उस लड़की के खिलाफ खड़े हो जाते हैं और संरक्षण ब्रजभूषण शरण सिंह को दिया जाता है और उस लड़की को गलत साबित करने पर लोग तुल जाते हैं। सारा तंत्र एक तरफ है और उसके बाद उसके पिता के हवाले से वो बयान वापस ले लिया जाता है। यह देश की जनता तय करे कि क्या प्रभाव के तहत यह किया गया, क्या सत्ता का दुरुपयोग किया गया, क्या सारा तंत्र एक आदमी को बचा रहा था। क्योंकि अब एक बात साफ है, भारतीय जनता पार्टी का जो नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो है बेटी डराओ और ब्रजभूषण बचाओ। पूरी तरह से यह बात साफ तौर से अंकित हो चुकी है। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, पॉक्सो का जब गंभीर आरोप किसी के खिलाफ लगता है तो तुरंत कार्रवाई की मांग होती है और वो कार्रवाई होती है तुरंत हिरासत में लिया जाए। 45 दिन तक ब्रजभूषण शरण सिंह से पूछताछ तक नहीं करती दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस एफआईआर तब दर्ज करती है जब सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करता है। दिल्ली पुलिस हिरासत में नहीं लेती, पूछताछ नहीं करती। एक बाहुबली व्यक्ति है, इसको आजाद घूमने और छोड़ दिया जाता है कि यह जाए और किसी भी विटनेस को टैम्पर करे, किसी भी विक्टिम को डराए। कोई पूछताछ नहीं है। ये मीडिया में इंटरव्यू देके मेडल को 15-15 रुपए का बताते हैं। ये मीडिया में इंटरव्यू देके गुड टच और बैड टच की बातें करते हैं। ये अपनी शक्ति का प्रदर्शन रैलियों में करते हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस 45 दिन तक आरोपी से और इतने गंभीर आरोपी से पूछताछ नहीं करती। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।